एनालिसिस। आइए, ये सारी प्रिंटेड कलर बुक्स हमने अब रवाना करनी शुरू कर दी है आप तक। अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में आप सब बच्चों को मिलने जा रही है। पुरानी पेंडेंसी जो थी ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। कुछ समय लगा हमारा, काफी एक्सेसिव ऑर्डर थे हमारे पास में। हम करीब करीब 1000 ऑर्डर को टच करने जा रहे हैं। जिस दिन 1000 पूरे कर देंगे उस दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो करीब करीब 1000 बच्चा हमारा ये कोर्स ले चुका है भारत भर में। ये मान के चले आने वाले कुछ दिनों में ये फिगर अपना आंकड़ा तय कर देंगे। इसलिए रोज एक लिमिट में ही हम लोग किताबों को रिलीज कर पाते थे, पर अब वो बैकलॉग ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूं आप सबको अब जो इस महीने और पिछले महीने के थे बच्चे उनको सारी बुक्स दे देंगे, क्योंकि हमने अक्टूबर मंथ की पेंडेंसी खत्म कर दी। नवंबर के मिड तक भी हम पहुंच गए हैं। अब नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के जो कुछ रह गए हैं उन्हीं की केवल बुक्स आनी बाकी है, वो सब भी हम रवाना कर देंगे। तो मान के चलता हूं मैं अगले 8 से 10 दिन में भारत भर के हर बच्चे को जिसने बत्रा सर का कोर्स लिया है सबको ये किताबें, कलरफुल किताबें पहुंच रही हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता दूं, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, है ना, मतलब एक छोटा दुकानदार भी बात कर लो आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो होती है, या रिलायंस की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो एक प्रोडक्ट बनाती हो या मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सब के सब किसी न किसी तरीके के बिजनेस एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके काम करती है। वैक्यूम में कोई काम नहीं कर सकता, अलोन कोई काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर साइज। कौन से टाइप के वो प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन से मार्केट को सर्व करते हैं, कौन सी ज्योग्राफिकल कवरेज वो करते हैं, लीगल स्टेटस उनका क्या है। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है, वो कंपनी है या वन पर्सन कंपनी, ओपीसी है, पार्टनरशिप फर्म है, एंड सो ऑन। आप पढ़ के हैं ना बीसीके में, अपने उन चीजों की बात हो रही है। बिकॉज ऑफ द वास्ट ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी, तो हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से अलग होती है, हमें यह समझना है। वॉट एवर देयर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर, दे डू नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। खास बात याद रखने की है कि ये ऑपरेट नहीं करते वैक्यूम में। इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन वैक्यूम में ऑपरेट करती है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। बिल्कुल गलत बात। हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये अगर बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सपोज ये, तो एक तो होता है उसका इंटरनल एनवायरमेंट, एक होता है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल भी दो तरीके का होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ये वाला जो अंदर वाला होता है इसको अपन कहते हैं माइक्रो, और जो ये बाहर वाला होता है ये वाला, इसको अपन कहते हैं मैक्रो। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। सपोज करो मैं टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स का सीईओ हूं और मैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाता हूं। सरकार अगर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पे सेस बढ़ा देती है या पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, तो हमारी गाड़ियां जितनी बिक रही थी उनकी सेल में गिरावट आएगी, क्योंकि इधर तो सरकार ने सेस बढ़ा दिया तो गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ गई, इधर मेरा फ्यूल महंगा हो गया तो मेरा इंटेक महंगा हो गया, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जाना पसंद करेंगे। अब ये कौन से फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि सरकार सेस बढ़ा रही है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं इंपोर्ट किया करता हूँ कंट्री के तौर पर, इंडिया के तौर पर, तो मेरा उस पर नियंत्रण नहीं है। इंपोर्ट मैं जो करता हूँ, जो मुझे एक्सपोर्ट करते हैं जो देश हैं ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाले, वो अगर प्राइस बढ़ा देते हैं पर बैरल तो मुझे भी महंगा मिलेगा। तो इसका मतलब हर बिजनेस पे उसके एनवायरनमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। हम वैक्यूम में काम नहीं कर सकते। क्या ये बात सबको समझ में आई है? इसी बात को समझाने के लिए लाइन लिखी गई है जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। दे कंटिन्यूअसली एक्ट एंड रिएक्ट टू वॉट हैपन्स आउटसाइड ऑफ देयर पेरीफेरी। उनके बिजनेस के बियॉन्ड, बाउंड्री के बियॉन्ड जो कुछ होता है उनसे वो इफेक्ट होते हैं और उनको इफेक्ट भी डाला करते हैं। कल टाटा मोटर बड़े लेवल पे ईवी बनाने लग जाए और लोग जो है ईवी खरीदने लग जाए क्योंकि उनको रेकरिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर से निजात चाहिए,
और ये ईवी गाड़ियां सरकार की तरफ से सब्सिडाइज भी हो जाएं, जो कि हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट शिफ्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब बिजनेस अपने एनवायरनमेंट पर और एनवायरनमेंट बिजनेस पर लगातार इंटरेक्ट करते हुए फर्क डालते हैं। द फैक्टर दैट आर आउटसाइड द बिजनेस ऑपरेशंस आर टिपिकली रेफर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम इनको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है, पॉलिसीज आ जाती है गवर्नमेंट की। इसके अलावा क्या आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है हमारे पास में, इसके अलावा आ जाता है हमारे पास में इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री आ जाती है, पॉपुलेशन आ जाती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आ जाता है, उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं। तो इतना ही सारी चीजें होती है जो हम पर फर्क डालती हैं। बिजनेस करना आसान काम नहीं है, इतने सारे फैक्टर्स के होने वाले प्रभावों को समझना पड़ता है, और उससे हम पे क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा उससे निकल के अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ताकि हमें सफलता मिले। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ये कहना है हमारा स्ट्रेटजिक एनालिसिस में। इन अदर वर्ड्स, इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मे बी डिफाइंड एज ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट वेट इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। आप फिगर देख सकते हैं, आपको फिगर में बताया जा रहा है कितने सारी चीजें हम पे फर्क डालती हैं। फर्म का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब मेरे कितने एम्प्लॉई हैं, मेरे पास जो फाइनेंस की स्थिति है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये मेरे फर्म के इंटरनल है। फिर आते हैं फर्म के स्टेक होल्डर, फर्म में किसी ने इन्वेस्ट किया होता है तो इन्वेस्टर होते हैं। इसके अलावा रेगुलेटर्स आते हैं, ठीक है, फिर इंडस्ट्री की शेपिंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आते हैं, इसमें कॉम्पिटिटर्स आते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं चीज़ों के लिए। फिर आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीगल सोशियो कल्चरल डेमोग्राफिक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीगल, ठीक है, इकोलॉजिकल टेक्निकल एनवायरनमेंट आते हैं। ये जो होते हैं ये बियॉन्ड द कंट्रोल है, ये वाले ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, इवन कुछ हद तक ये कॉम्पिटिटर भी क्या करेगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जो हाथ में है कंट्रोलेबल, वो हमारा इंटरनल है। कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट हमारा केवल इंटरनल है कि एम्प्लॉय को मैं निकाल सकता हूँ, एम्प्लॉय मैं नहीं रख सकता हूँ, एम्प्लॉय किस क्वालिफिकेशन के होंगे, एम्प्लॉय को सैलरी क्या दूंगा, एम्प्लॉय से काम क्या कराऊंगा, एम्प्लॉय को पक्ष क्या दूंगा, मेरे हाथ में पैसा मेरे पास कितना उपलब्ध है और कितना पैसा मेरे को चाहिए मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में कौन हायरार्की में ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये मेरा प्रियोरिटेटिव है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है माइक्रो और मैक्रो, ये मेरे हाथ में नहीं है। कॉम्पिटिटर क्या करेगा मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, कस्टमर कैसे अपनी प्रेफरेंस बदल जाएगा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सरकार क्या नियम ले आएगी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी मैं नहीं कर सकता, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं इंटरनल वाले जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, नियंत्रित किए जा सकते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होते। बात आ रही है क्या समझ में, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इस डायग्राम को भी याद कर लो, बिजनेस एनवायरनमेंट को बताने का सबसे बढ़िया डायग्राम है। चलिए, जितने भी डायग्राम आते हैं उन सबको अपने हाथ से आपको एक बार बना लेना चाहिए रफ स्केच के तौर पे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाए, और चूंकि एक बार हाथ से बनाया होगा तो एग्जाम में भी बनाने में आपको सहूलियत होगी। इसलिए जो भी आपको डायग्राम बना के बताए जा रहे हैं या मैं बना रहा हूँ, आपके मॉड्यूल में नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको इमीडिएटली अपनी कॉपी में, जो मैंने कहा है 200 पेज की, जिसमें आप अपने रोज अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बना रहे हैं कीवर्ड्स के साथ में,
नोट डाउन कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेने चाहिए। चलिए क्लियर हो गया इतना, चलिए आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन बिगिंस विद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। फॉर्मुलेशन की शुरुआत कहां से होती है? फॉर्मुलेशन बिगिंस विद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या हो गया, फॉर्मुलेशन की शुरुआत कहां से होगी? फॉर्मुलेशन की शुरुआत होगी जब हम करेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो फॉर्मुलेशन की शुरुआत कहां से होगी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से। और एनालिसिस में क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो अगर आप नई स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की शुरुआत होगी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से, जिसमें हम अपने बिजनेस एनवायरमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे बिफोर क्राफ्टिंग और क्रिएटिंग एन स्ट्रेटेजी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो ये बात हुई जो आपको हमें समझानी थी कि बिजनेस का फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से होता है, और एनालिसिस में हम सबसे पहले अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का अध्ययन किया करते हैं। इंटरनल में जैसा मैंने बताया, एम्प्लॉयज कितने हैं, फाइनेंस आपके पास कितना है, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास कितना है, कॉरपोरेट कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों पे हमें जानकारी चाहिए होती है, जो काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, है ना, इसके अलावा और लोग आ जाया करते हैं जिनका किसी न किसी तरीके से हमसे लेना देना है। उसके बाद इंडस्ट्री की शेपिंग फोर्सेज में कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। फिर डोमेस्टिक में पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, और इंटरनेशनल में भी कुछ इन्वायरमेंट होता है जो बियॉन्ड आर कंट्रोल है। तो इन सब से जानकारी इकट्ठा करेंगे हम लोग। अब बात आती है फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन क्या है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज नॉट ए टास्क इन विच मैनेजर्स कैन गेट विद इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट और अदर क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। मतलब क्या है, आप इंट्यूशन से लेके क्रिएटिव थिंकिंग से काम नहीं चला सकोगे, ऐसा टास्क नहीं है। इसमें हमें ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। केवल बंद कमरे में बैठ के मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा होता होगा, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो वो सब गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है ना। जैसे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां चुनावों से पहले बंद बैठ के कमरों में बैठ के, या हमारे ये सो कॉल्ड जो पत्रकार लोग होते हैं जो अपने आप को चुनावी विशेषज्ञ मानते हैं, बंद कमरों में बैठ के, ग्राउंड में गई नहीं, बंद कमरों में बैठ के कह देते हैं यहाँ ये फैक्टर काम करेगा, यहाँ ये जातियाँ हावी है, इस आदमी का इससे बनता नहीं है तो ये होगा, और जब रिजल्ट आते हैं तो मालूम पड़ा जो कुछ बोला था वो सब गोल गपाड़ा हो गया, क्योंकि बंद कमरों में बैठ के चर्चा की, ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हम भी कह रहे हैं, कोई भी आपका इंट्यूशन पूर्वानुमान, कोई भी आपका ओपिनियन, आपकी सोच, कोई भी आपकी इंस्टिंक्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, या आपकी थिंकिंग क्रिएटिव कुछ काम नहीं आती, ग्राउंड लेवल पे क्या है वो जाके समझना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छी एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर पाएंगे। जजमेंट अबाउट द स्ट्रेटजीज नीड टू फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द फर्म ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल रिसोर्सेज। तो हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो बेसिकली बात तो समझ में आ रही है हमारे को कि फॉर्मुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें करना पड़ता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम करते हैं अध्ययन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इंटरनल और एक्सटर्नल से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम ऊपर पहुंचाते हैं, तब जाके एक अच्छी स्ट्रेटजी का निर्माण होता है। तो मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपकी सोच से, आपके पूर्वानुमान से, आपको छठी इंद्री जाग गई ऐसी कुछ जानकारी मिली, इससे काम नहीं होता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज ए नेचुरल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी फॉर एवरी बिजनेस, एंड सम डू इट ऑन द इनफॉर्मल बेसिस
वाइल अदर्स हैव ए फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कलेक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए लगातार आपको क्या करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी, मतलब लगातार अपने इन्वायरमेंट पर नज़र रखो, उसमें होने वाले हर छोटे मोटे परिवर्तन को आप जानो, क्योंकि उस परिवर्तन से आपको अच्छा या बुरा प्रभाव भविष्य में पड़ सकता है, इसलिए अपने एनवायरनमेंट पे पूरी नज़र हमें रखनी पड़ेगी। इट इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट चेंजेस इन द टैक्स रेगुलेशन थ्रू द टेलीविजन न्यूज एंड वेल एस्टेब्लिश रीडिंग मटीरियल और एक्सपर्ट से सुनना। सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनवायरनमेंट असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आपने एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसका अच्छा बुरा प्रभाव हम पर क्या पड़ता है, तो आप समय रहते उसके रिएक्शंस को समझ पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान की मात्रा को कम कर पाएंगे या होने वाले फायदे की स्थिति का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाना पड़ेगा इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखकर। ये परिवर्तन छोटे मोटे भी हो सकते हैं, ये परिवर्तन बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इनका सीधा प्रभाव भी पड़ सकता है, इनका इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए किसी भी फैक्टर को हमें छोड़ना नहीं है, सभी का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। The majority of the rapidly expanding organization use strategic planning throughout the various stages of their operation. The strategic analysis is component of business planning. ये जो strategic analysis है ये किसका हिस्सा है? Business planning का हिस्सा है। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि एक methodical approach है to make right resources investment and may assist business in achieving its objective. हम चाहते हैं अपने पैसे को involve करें तो हमें एक systematic तरीका अपनाना पड़ेगा अध्ययन करके कि हमारी जानकारियां हम तक जो पहुंच रही हैं उससे हम क्या बिजनेस के डिसीजन लें। अगर हमें लग रहा है कि हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ है, हमारे पास मैन पावर अच्छी अवेलेबल है, हमारे पास में पैसा उपलब्ध है, हमारे पास रॉ मटेरियल उपलब्ध है और मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, तो हम आज ही उसका प्रोडक्शन करके रख लेते हैं ताकि जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड आए हम मार्केट में प्रोडक्ट को फेंकने के लिए, प्रोडक्ट को फेंक कर पैसा कमाने के लिए तैयार रहें। इसलिए जरूरी है आप उतनी तो तैयारी कर लें। इट फोर्सेस टू थिंक अबाउट राइवल्स एंड एड्स इन इवैल्यूएटिंग ऑफ द बिजनेस प्लान टू स्टे अहेड इन द कॉम्पिटिशन। तो ये इसलिए भी किया जाता है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले स्ट्रैटेजी के तौर पे मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस ला सकें और उनसे ज़्यादा लाभ उठा सकें, हमें मिल सके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। टू इंपॉर्टेंट सिचुएशन कंसिडरेशन आर। तो यहाँ पे हमें दो तरीके की सिचुएशन एनालिसिस करनी पड़ेगी। पहला इंडस्ट्री और कॉम्पिटेटिव अध्ययन करो, कितने कॉम्पिटिटर और इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की ओन केपेबिलिटी रिसोर्सेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है इस मार्केट में। The analytical sequence is to form strategic appraisal of external and internal situation to the evaluation of alternative strategy to find the choice of the strategy. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। सिचुएशन एनालिसिस में पहला होगा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव फैक्टर और दूसरा होगा ओन कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। सिचुएशन एनालिसिस में कौन से दो फैक्टर होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस ये हमें जानना है, और दूसरा हमें ये जानना है ऑर्गेनाइजेशन की ओन कैपेबिलिटी कितनी है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है ये हमें जानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली। बात आई क्या सबको समझ में, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो बेसिकली मार्केट में सफल होने के लिए हमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ता है और ये सब कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के तहत होता है। इसमें हम फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस करते हैं जहाँ इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव की कंडीशन ध्यान में रखी जाती है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान रखा जाता है बिफोर कमिंग आउट विथ ए साउंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन मेथड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ।
ओ जी क्लियर क्लियर हो गया, की करिए वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, की करिए। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम सबको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में बेसिकली हमें कंसीडर करना है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, ये जानने के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, स्ट्रेंथ का उपयोग किया जाए मार्केट के अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए, वीकनेसेस को रिमूव किया जाए और मार्केट की थ्रेट को अवॉइड किया जाए ताकि मिले हमें मैक्सिमम बेनिफिट। ये है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पहला वाला हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आओ अब समराइज कर लेते हैं। द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये लगातार किया जाता है, बार बार किया जाता है। विच इज नॉट विदाउट लिमिटेशन, इसकी अपनी लिमिटेशन भी होती है। देर आर टू मेजर लिमिटेशन, दो मेजर लिमिटेशन भी हैं यहां पे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट, इट गिव्स ए लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शन बट डज नॉट टेल अबाउट वॉट टू पिक। ऑप्शन तो बहुत दे देता है लेकिन इसमें सही कौन सा है वो नहीं बताता है। और दूसरा दूसरा इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की दो लिमिटेशन, पहला ये आपको ऑप्शन बहुत सारा देता है लेकिन इसमें सबसे सही कौन सा है वो नहीं बताता, दूसरा सबको करने में बहुत समय और पैसा लगा करता है। सो इट कम्स आउट टू विद टू लिमिटेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की टू लिमिटेशंस। टू लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पहला कौन सी है, पहली लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शन, लॉट ऑफ ऑप्शंस बट नॉट प्रोवाइडिंग डिसीजन विच टू पिक, कौन सा लिया जाए, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग है तो कॉस्टली भी अपने आप ही हो गया, जो चीज टाइम कंज्यूमिंग है वो कॉस्टली अपने आप हो जाती है। तो दो लिमिटेशन होगी हमारी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। तो एक तरीके से अब तक जो पढ़ा उसकी समरी आपके सामने आ चुकी है, ध्यान से देखें इस समरी को, ध्यान से देखें इस समरी को। इस समरी में छुपा हुआ हमारा पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का पहला स्टेप होता है जिसके तहत हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम सिचुएशन का एनालिसिस भी करते हैं, जहां इंडस्ट्री और कॉम्पिटेटिव की कंडीशन और अपनी ओन रिसोर्स स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज का अध्ययन किया जाता है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दो लिमिटेशंस के साथ काम करता है, पहला बहुत सारे ऑप्शन तो प्रोवाइड कर देता है लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है ये नहीं बताता, और नंबर टू ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है और इसलिए कॉस्टली भी है। तो ये थी बात स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है, जरा ये मुझे चैट बॉक्स में आप बताइए।